दोस्तों आजकल हम लोग बहुत कॉमनली एक टर्म स्मार्टफोन्स के लिए यूज करते हैं जो है हाई रिफ्रेश रेट। OnePlus ने इस टर्म को काफी ज्यादा फेमिलियर बना दिया था अपने पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus 7 Pro फोन से, जिसमें उन्होंने 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले लगाने का दावा किया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि क्योंकि ये हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है, इसलिए आपको गेमिंग परफॉर्मेंस और जो ओवरऑल डेली डे टू डे परफॉर्मेंस है उसमें भी काफी ज्यादा स्मूथनेस नजर आएगी किसी भी और फोन से अगर हम उसको कंपेयर करें तो। और पिछला साल तो अब लग रहा है काफी दूर निकल गया है, क्योंकि अब आजकल जो फोन आ रहे हैं, इवन अगर मैं मिड रेंज की बात करूं तो जैसे पोको X2 जैसे फोन्स जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले के साथ आने लग गए हैं, और अगर हम हाई एंड पे जाएं तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ Asus का ROG फोन 3, उसमें 160 हर्ट्ज के FPS तक का डिस्प्ले आता है। तो अब बात यह है कि अगर 90 हर्ट्ज स्मूथ है, 120 हर्ट्ज उससे भी ज्यादा स्मूथ है, और 160 हर्ट्ज तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। तो अब कितना स्मूथ आपको अपने डिस्प्ले में चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपका जो पुराना फोन है जिसमें ये 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज की बातें नहीं होती थी, उन फोन्स में भी आपको ऐसा तो नहीं लगता होगा कि वो स्मूथ नहीं काम करते हैं या बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या है ये रिफ्रेश रेट का चक्कर, और इस हाई रिफ्रेश रेट के बारे में कितनी सच्चाई है, कितना ज़्यादा ये हाइप है, कितनी हाई रिफ्रेश रेट आपके लिए ठीक रहेगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये रिफ्रेश रेट एक्चुअली में है क्या, और पिछले कुछ सालों से ही ये क्यों पॉपुलर हो रहा है। देखिए, सिंपल भाषा में ये फ्रेम रेट से डिफाइन होता है कि आपकी जो फोन की स्क्रीन है वो एक सेकंड में कितनी बार उस इमेजेस को रिफ्रेश कर पाती है। तो अगर आपकी स्क्रीन एकदम स्टैग्नेंट है और उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है एज सच, तो उस केस में आपको रिफ्रेश रेट समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, और आपको कोई भी स्मूथनेस की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि आप कुछ स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं या किसी भी गेम को प्ले नहीं कर रहे हैं। रिफ्रेश रेट को समझने का एक और तरीका है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि कई सारी इमेजेस जब काफ़ी तेज़ स्पीड में हम लोगों की आंखों के सामने से प्ले होती हैं तो हम लोगों को वो वीडियो के जैसा नज़र आता है। कहने का मतलब ये कि जो कई सारी इमेजेस होती हैं वो लगातार रिफ्रेश होती रहती हैं, स्पेशली जब आप स्क्रॉल करते हैं तो वो स्क्रीन रिफ्रेश धीरे धीरे होती रहती है, जिससे आपको एक प्रॉपर वीडियो जैसा एहसास होने लगता है। तो कितनी तेज़ ये इमेजेस आपकी आंखों के सामने निकल रही हैं जिसकी वजह से आपको स्मूथनेस नज़र आती है, ये फ्रेम रेट से ही डिफाइन होता है। अब साइंस के हिसाब से हमारी जो आंखें हैं वो 15 फ्रेम पर सेकंड से ज़्यादा तेज़ चलने वाली इमेजेस को ही वीडियो मानती है। अगर इससे नीचे होता है तो वो हम लोगों को एक नॉर्मल मूविंग इमेजेस की तरह नज़र आएंगी, वीडियो की तरह वो हमें नज़र नहीं आएगी। इसको कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो अब आप जब फ्रेम रेट को समझ ही चुके हैं तो इसको मैं और क्लियर करने के लिए आपके सामने एक वीडियो प्ले करता हूं, जिसमें कई सारे फ्रेम रेट्स कंपेयर किए गए हैं और आप आसानी से समझ सकते हैं कि इन फ्रेम रेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे, जो है कि जो रिफ्रेश रेट है आपकी स्क्रीन के डिस्प्ले का वो अभी तक कितना रहता था, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, और इस सबसे पहले आपकी जो स्मार्टफोन की स्क्रीन्स है या किसी भी फ़ोन की जो स्क्रीन्स होती थी वो 60 हर्ट्ज फ्रेम रेट पे काम करती थी। ये जो 60 हर्ट्ज फ्रेम रेट है ये एक स्टैंडर्ड है, जो भी हाई रिफ्रेश रेट की बात करता है वो 60 हर्ट्ज से ज़्यादा रिफ्रेश रेट की ही बात करता है, तभी उसको हाई रिफ्रेश रेट कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो हाई रिफ्रेश रेट का कंसेप्ट है ये अभी रिसेंटली आने लगा है। जो हार्ड कोर गेमर्स हैं उनकी जो PC की स्क्रीन्स होती थी, मॉनिटर्स जो होते थे, वो भी कई सारे हाई रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस में भी अवेलेबल होते थे। हाँ, लेकिन स्मार्टफोन्स की अगर हम बात करें तो हाई रिफ्रेश रेट टर्म काफ़ी ज़्यादा नया है, अभी अभी ये वर्ड थोड़ा सा पॉपुलर होना शुरू हुआ है, और इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है स्मार्टफोन कंपनीज ने। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि हर चीज़ ज़्यादा फ्रेम रेट में अच्छी नहीं लगती है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्मूथनेस डेफिनेटली बढ़ जाती है, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा स्मूथ हम अगर देख लें तो वो हमें अच्छी नहीं लगेंगी, और ये सिंपली इसलिए होता है क्योंकि पिछले 100-200 सालों से, जब से हम लोगों ने बेसिकली वीडियोज़ को देखना शुरू किया है, तब से हमारी आँखें कम फ्रेम रेट के लिए ही एडजस्ट हो चुकी हैं, और इसीलिए गेम्स के अलावा अगर आप मूवीज़ या टीवी सीरियल्स या कोई भी ऐसी एंटरटेनमेंट सीरीज़ देखेंगे और वो अगर 60 FPS पे हम लोग देखते हैं
तो हम लोगों को वो उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं, उतना ज़्यादा रियल फील नहीं आता है। और ये जो चीज़ है, ये एक्सपेरिमेंट भी की जा चुकी है। एंग ली जो हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक मूवी क्रिएट करी थी जो कि 60 FPS पे काम करती थी, लेकिन वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। लोगों ने कहा कि ये जो मूवी है बहुत अजीब सी लग रही है और वो उतना अच्छा फील नहीं दे पा रही है जो कि एक नॉर्मल 24 FPS की मूवी आपको देती है। तो आमतौर पर जो मूवीज़ या जो आप टीवी सीरियल्स देखते हैं वो सब 24 FPS पे शॉट होती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो गेम्स होते हैं वो ज़्यादातर 60 FPS से ज़्यादा ऊपर के नहीं होते हैं, जो गेम्स हम लोग कॉमनली खेलते हैं अपने स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स में। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, बहुत सारे जो हाई एंड गेम्स हैं, स्पेशली जो शूटर गेम्स होते हैं जैसे पबजी और आपका कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सब जो गेम्स हैं ये काफ़ी हाई रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करते हैं। अब ये हाई रिफ्रेश रेट को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसमें जब गेमर शूट करने वाले होते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर स्मूथनेस चाहिए होती है। अगर कम फ्रेम रेट्स होंगे तो वो उतनी स्मूथनेस नहीं मिलेगी और आप अपना निशाना मिस कर जाएंगे और जो प्लेयर्स हैं वो अपनी जान से हाथ दो बैठेंगे। इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और ध्यान देने वाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोसेसर आपके फ़ोन में है वो उस हाई फ्रेम रेट को सपोर्ट कर सकता है या नहीं। हालांकि आज के समय में ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी प्रोसेसर्स आते हैं और अगर कोई स्मार्टफोन कंपनी उस प्रोसेसर पे एक पर्टिकुलर हाई रिफ्रेश रेट देती है तो वो आमतौर पर अच्छा काम कर रहा है, तभी वो कंपनी उतना हाई रिफ्रेश रेट का फ़ोन दे रही है। वो ये नहीं चाहती है कि उस कंपनी का जो फ़ोन है वो हाई रिफ्रेश रेट के साथ आए लेकिन लैगी परफॉर्मेंस होने लगे, जिसकी वजह से लोग कंप्लेन करें और वो फ़ोन अल्टीमेटली फ्लॉप हो जाए। लेकिन फिर भी इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जो पोको X2 फ़ोन है उसमें जब आप कैजुअल कोई भी डे टू डे टास्क करते हैं जैसे ऐप्स के बीच में स्विच करना या नॉर्मल स्क्रोलिंग करते हैं तो आपको 120 हर्ट्ज़ में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप गेम खेलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग गेम्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई एंड गेम्स हैं और जो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रेम रेट पर काम कर सकते हैं जैसे पबजी हो गया, वो 120 हर्ट्ज़ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि इतने हाई रिफ्रेश रेट पर पबजी जैसे गेम्स बहुत अच्छे से ये फ़ोन नहीं चला पाता है। तो इसीलिए आपको अपने प्रोसेसर को भी जानना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप हाई रिफ्रेश रेट का भी मज़ा लें और साथ ही साथ आपके फ़ोन की स्मूथनेस भी बनी रहे जिससे आपको आगे जाते हुए कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद जो दूसरी चीज़ जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हाई रिफ्रेश रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैटरी किलर की तरह आप काम कर सकता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास चार्जर नहीं है या आप बैटरी को अपने चार्ज नहीं कर सकते हैं तो आपको अपनी रिफ्रेश रेट को नीचे करके 60 हर्ट्ज तक पे ही रख देना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब आप ट्रैवल कर रहे हों और आप फ़ोन ना चार्ज कर पाएँ और बैटरी ज़्यादा बचे, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रिफ्रेश रेट को कम पे ही रखें ताकि उससे बैटरी की एफिशिएंसी पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। इसके साथ साथ जब बैटरी ज़्यादा यूज़ होगी, प्रोसेसर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फ़ोन है वो जल्दी हीट होने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फ़ोन गेमिंग के टाइम पे थोड़ा सा हीट करता है नॉर्मल रिफ्रेश रेट पे, तो अगर आप अपने फ़ोन को हाई रिफ्रेश रेट पे लगाएंगे तो वो फ़ोन और भी ज़्यादा जल्दी हीट कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। तो इन तीन बेसिक पॉइंट्स का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अगर आप हाई रिफ्रेश रेट को यूज़ करने वाले हैं या ऐसा फ़ोन लेने वाले हैं जिसमें हाई रिफ्रेश रेट अवेलेबल है। अब देखिए 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा स्मूथनेस की अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज जब आप जाते हैं तो आपको शायद ही कोई डिफरेंस समझ में आएगा। और इसके अलावा जो 120 हर्ट्ज से लेकर 144 हर्ट्ज और 160 हर्ट्ज तक जो स्क्रीन जाती हैं उसमें तो आपको बेयरली कोई डिफरेंस समझ में खास आने वाला है। हाँ, लेकिन कई सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो कि 160 हर्ट्ज तक के फ्रेम रेट पे भी काम करते हैं, उसके लिए बने होते हैं, तो आप उन गेम्स को जब आप खेलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगेगा और आपको तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली में 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज में क्या डिफरेंस है। जो लोग बहुत ज़्यादा हार्डकोर गेमिंग नहीं करते हैं जैसे मैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे हिसाब से एक मार्केटिंग गिमिक हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होने वाला है ये हाई रिफ्रेश रेट का फीचर। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई फ़ोन खरीदने वाले हैं और आपका बजट 13,000-14,000 या उससे ऊपर का है तो आपके फ़ोन में ज़रूर से 90 हर्ट्ज़ का तो डिस्प्ले होना ही चाहिए। अगर IPS डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन आ रहा है 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन में अगर आपको एक AMOLED फ़ोन मिल रहा है जो कि 60 हर्ट्ज़ की स्क्रीन के साथ आता है तो ये आज भी एक बेटर चॉइस है, क्योंकि एनी डे AMOLED स्क्रीन्स IPS स्क्रीन से फार फार बेटर होती हैं। उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी फीचर मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको जो डीप ब्लैक कलर्स हैं वो AMOLED डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे, जो कि हाई रिफ्रेश रेट से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है
मेरी रिकमेंडेशन में। अगर मुझे एक 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा होगा और दूसरी तरफ एक 120 हर्ट्ज का IPS डिस्प्ले मिल रहा होगा, तो मैं ज़रूर 90 हर्ट्ज के एमोलेड डिस्प्ले के साथ जाऊंगा। आप किस डिस्प्ले के साथ जाना चाहेंगे बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अब लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, जो कि जो आपकी स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो आमतौर पर आपको बात करती हुई नज़र नहीं आएंगी। वो सिर्फ हाई रिफ्रेश रेट का गाना गाती रहती हैं, लेकिन टच रिस्पॉन्स रेट के बारे में कोई भी कंपनी खास बात करती आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले हाई रिफ्रेश रेट पे काम करता है, तो भी अगर आपके फ़ोन का टच रिस्पॉन्स रेट उस रिफ्रेश रेट को मैच नहीं करता है, आपको आपकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र नहीं आएगी। जब आप स्पेशली गेमिंग अगर करते हैं, तो ऐसे केस में आपका जो टच रिस्पॉन्स है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, हाँ, लेकिन फ्रेम रेट ज़रूर से बढ़ जाएगा। अब ये टच रिस्पॉन्स रेट जो होता है, ये सिंपली आपके टच की सेंसिटिविटी को डिफाइन करता है। यानी कि जब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को टच करते हैं, उसके बाद उस स्क्रीन को आपके एक्शन को फॉलो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जो टाइम है, इसको हम लोग टच रिस्पॉन्स रेट के नाम से जानते हैं। इसकी भी यूनिट फ्रेम पर सेकेंड ही होती है, यानी कि हर्ट्ज होती है। इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टच रिस्पॉन्स रेट और रिफ्रेश रेट सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। टच रिस्पॉन्स रेट भी ज़्यादा होना ज़रूरी है अगर आपकी स्क्रीन हाई फ्रेम रेट की है। तो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का है और उसका जो टच रिस्पॉन्स रेट है वो 60 हर्ट्ज का है, तो आपको गेम बहुत ज़्यादा लैगी नज़र आएंगे। लेकिन वहीं अगर 90 हर्ट्ज की भी रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है और आपका जो टच रिस्पॉन्स रेट है वो 240 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज है, तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र आएगी। किसी और कम टच रिस्पॉन्स रेट वाले फ़ोन से कंपेयर करेंगे आप, तो इसीलिए जब भी आप कोई नया फ़ोन खरीदें, तो सिर्फ स्क्रीन के रिफ्रेश रेट पर ना ध्यान दें, बल्कि टच रिस्पॉन्स रेट कितना आ रहा है ये भी जानने की कोशिश करें। क्योंकि अगर टच रिस्पॉन्स रेट कम होगा और फ्रेम रेट ज़्यादा होगे, तो भी आपको गेम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी और आपको उतना मज़ा नहीं आएगा अपने हाई रिफ्रेश रेट की स्क्रीन से। तो इन सब बातों के बाद अल्टीमेटली क्या है मेरा वर्डिक्ट? तो देखिए, ये एक वैसे तो सब्जेक्टिव चॉइस है, ये यूजर्स को अपने यूज़ के हिसाब से समझना पड़ेगा कि उनको कितने रिफ्रेश रेट की स्क्रीन लेनी चाहिए। तो जो लोग बहुत हाई एंड गेमिंग करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोर गेमिंग करते हैं, उनके लिए हाई रिफ्रेश रेट एनी डे एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ऐसे गेम्स खेलने में। लेकिन जो लोग मेरे जैसे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं, बेसिकली जो सोशल मीडिया के लिए यूज़ करते हैं या जो नॉर्मल टास्क करते हैं अपने स्मार्टफोन से, उनके लिए 60 से लेकर 90 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इनफ है। उनको बहुत ज़्यादा हाई रिफ्रेश रेट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसी प्राइस पे और भी ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं, तो आप रिफ्रेश रेट को छोड़कर उन फीचर्स का मज़ा ज़रूर से लें। तो क्या है आपकी राय, ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही साथ स्क्रीन पे भी फ्लैश हो जाएंगे। और हाँ, ऐसी ही लगातार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक टू द कोर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।